तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी पाइथन की एक बहुत ही शानदार ट्यूटोरियल चल रही है, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में स्ट्रिंग वगैरह के बारे में सीख लिया, स्ट्रिंग फंक्शंस को अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको पाइथन की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, बेसिक बेसिक। तो वीडियो को बिना कोई देरी हम स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा वीएस कोड। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में कम से कम 4 फंक्शंस सीखने वाले हैं पाइथन के लिस्ट में, ठीक है। तो मैंने एक न्यू फाइल ले रखी है यहाँ पर, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हमारा जो पाइथन वाला फोल्डर है उसी में हम इसको सेव कर रहे हैं। तो इसे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, LLI.py। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको LLI.py नाम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बनती कैसे है, हम लिस्ट को बनाना सीखते हैं। पर इन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट होता है हमारा डाटा आइटम का कलेक्शन। तो अब डाटा आइटम का कलेक्शन मीन्स, आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाता हूँ तो मैं, आप कोई भी मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान वगैरह खरीदें तो एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, तो वो हमारा सामान की लिस्ट को ही हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स या डाटा आइटम का कलेक्शन, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसमें हम लिस्ट को स्टोर करवाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो हमें इसे इस प्रकार से कुछ ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद आप मान लीजिए हम कुछ न्यूमेरिक की लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, इस टाइप से कुछ इस लिस्ट में डाटा को स्टोर कर रहा हूँ। अब इस डाटा को हमें प्रिंट करवा लेंगे तो वही हमारी लिस्ट हो जाएगी, वो लिस्ट के टाइप पर हमारी दिखने लगेगी। तो इसे प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और वेरिएबल को किस तरह से, इस तरह से कुछ हम प्रिंट करवाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें भी बेसिक नहीं पता है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें आपका ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लिस्ट आ चुकी है। अगर आपको कोड नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे आपको कोड बहुत ही आसानी से और अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल में, यहाँ पर हमारी लिस्ट भी प्रिंट हो चुकी है। तो लिस्ट तो प्रिंट हो चुकी, अब लिस्ट में मान लीजिए मुझे कोई और डाटा जोड़ना है, तो उस डाटा को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इस लिस्ट में डाटा आइटम्स को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है लिस्ट में, यहाँ पर आपको आपका जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, डॉट लगाना है। अब डॉट जैसे ही लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अपेंड फंक्शन का यूज़ करना है, जिसकी मदद से आप इसमें कोई भी डाटा और इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोई भी डाटा इंसर्ट, मेरा नाम इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, इसको कंट्रोल एस किया मैंने, ये देख सकते हैं कि लिस्ट में मैंने मेरा नाम यहाँ पर सार्थक इंसर्ट कर दिया है। अब मैंने सार्थक इसलिए यहाँ पर इंसर्ट किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं इन्वर्टेड में, लिस्ट वगैरह में डाटा आइटम को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया जोड़ना, अब इंसर्ट करना है किसी की जगह पर या किसी भी डाटा आइटम को रिप्लेस करना है किसी डाटा से, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं आगे वो सीखते हैं। तो यहाँ पर हम अपेंड भी कर लिया, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इंसर्ट फंक्शन चलाते हैं, डॉट इंसर्ट, ठीक है। तो अब इंसर्ट हम किसकी जगह क्या करेंगे, तो हमारा सार्थक है वैसे ही एक और स्ट्रिंग फंक्शन को हम ले लेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कौन से जो दो नंबर है हमारा, मतलब एक, क्योंकि हमारी इंडेक्स की वैल्यू 0 से एरे के मुताबिक चलता है, तो ये 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट की जगह पर चेंज करवाएंगे, मतलब दो को किससे चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए मैंने दो की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ मैं द ब्लॉगर विथ कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। तो अब हमारे आउटपुट में नीचे हमको क्या आ जाना चाहिए, जो हमारा सेकंड वैल्यू है दो, मतलब इंडेक्स की माने तो 1 वाली, उसकी जगह पर हमारा द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोड को रन करता हूँ, और यहाँ पर आप जैसे ही आउटपुट खोलते हैं
तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर पर द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स आ चुका है। अब आपको ये एरे वगैरह की पिक्चर नहीं समझ में आ रही कि यार इंडेक्स वैल्यू क्या होता है वगैरह वगैरह, तो आप जाकर पिछली वीडियो को देखिए जहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो लिस्ट में आज हम तीन चीज़ों को सीख चुके हैं, लिस्ट बनती कैसी है, अपेंड फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन। तो आज इस तीन ही टॉपिक को रखते हैं और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।